हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पॉसिबल 11 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे T20 लीग की जो कि जोहान्सबर्ग सुपर किंग बनाम ईस्टर्न केप के बीच ये मुकाबला होने वाला है। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या हैं, मैच प्रीव्यू कैसा रहा था, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। मैं आपको लास्ट में अपनी फैंटेसी टीम भी दूंगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेटेस्ट न्यूज़ और लाइव अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले बात कर लेता हूं इस मैच में, तो इस मैच में बता दूं आपको 5,000 रुपये का फ्री गिफ्ट रखा गया। अगर आप पॉसिबल 11 अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपये का फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर मैच वेन्यू की, तो ये बता दूँ दोस्तों, ये मैच द वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों ये बैटिंग पिच है। अभी तक टोटल यहाँ 25 मैचेस प्लेड हुए हैं जिसमें बैटिंग फर्स्ट वन 12 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 13 मैचेस। जो एवरेज स्कोर रहा है इस पिच का वो रहा है 170। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर वेदर रिपोर्ट की, तो बता दूँ दोस्तों यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 24 डिग्री रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, और विंड स्पीड 4.3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फ्रेंड्स, बात कर लेता हूँ इस स्टेडियम के अभी तक की रिकॉर्ड की, तो बता दूँ टोटल 25 मैचेस प्लेड, बैटिंग फर्स्ट वन 12 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 13 मैचेस। एवरेज की बात करूँ तो बैटिंग फर्स्ट वन 48% एंड बॉलिंग फर्स्ट वन 52%। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 170 एंड सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 143। हाईएस्ट टोटल यहाँ का रहा है अभी तक का वो 260 विकेट के साथ एंड लोवेस्ट टोटल 83 विकेट के साथ। हाईएस्ट चीज जो यहाँ का स्कोर रहा है वो 208 दो विकेट के साथ एंड लोवेस्ट डिफेंडेड 118 सात विकेट के साथ। नेक्स्ट बात करता हूँ जोहान्सबर्ग सुपर किंग टीम की, तो बता दूँ दोस्तों फाफ डी प्लेसी जो के कप्तान है दोस्तों जोहान्स सुपर किंग के, रीजा हेंड्रिक्स, ल्यू डुप्ली, सिवोनिलियो, मैथ्यू बेड जो कि दोस्तों विकेट कीपरिंग करेंगे जोहान्स सुपर किंग की ओर से, डोनावन, रोमारियो सेफर्ड, ग्रेल कोटी, नेंडी बर्जर, केल सिमोन, महेश टिक्साना। दोस्तों आप प्लेइंग 11 देख सकते हो जो ये जोहान्सबर्ग सुपर किंग की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ ईस्टर्न के प्लेइंग 11 की, तो बता दूँ एडम रोसिंगटन, जॉर्डन हरमन, टेम्बा बाउना, आयडन माक्रम जो कि कप्तान है दोस्तों ईस्टर्न केप के, जे स्वर्ट्स, ट्रिस्टन स्टप्स, मार्को जेंसन, सेसंडा मांगला, रिलूफ वंडर मर्व, ब्रेंडन कैस, ऑटनेल वाटमैन। दोस्तों ये प्लेइंग 11 देख सकते हो जो कि ईस्टर्न केप की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की, तो बता दूँ ईस्टर्न केप पिछले मैचों में जीतती हुई नजर आ रही है तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ टॉस प्रेडिक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन जो ईस्टर्न केप है वो टॉस जीतेगा और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी। नेक्स्ट बात करता हूँ जॉनसन सुपर किंग बनाम ईस्टर्न केप हेड टू हेड मुकाबले की, तो बता दूँ दोस्तों जॉनसन केप क्योंकि दोस्तों एक मुकाबला जीता है और ईस्टर्न केप एक भी मुकाबला नहीं जीता। दोस्तों जॉनसबर्ग सुपर किंग के कुछ खिलाड़ी के नाम बता देता हूँ जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, रीजा हेंड्रिक्स, डुप्ली, रोमारियो सेफर्ड, डोनावन फेरिया, ग्रेल कोटजी। दोस्तों ये मुख्य खिलाड़ी हैं जॉन्स सुपर किंग के, तो आप इनको अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करता हूँ केप टाउन के कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं नए में जो आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रिस्टन स्टप्स, ऑटनेल वाटमैन, सेसंडा मांगला, एडम रॉसिंगटन, जे स्मर्ट्स, मार्को जेंसन। दोस्तों ये 6 खिलाड़ी हैं जो आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट बात करता हूँ जोहान्सबर्ग सुपर किंग बनाम ईस्टर्न के कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो बता दूँ दोस्तों डोनावन फेरिया 317 पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको स्मॉल लीग में एज अ वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर सकते हैं। जे स्मर्ट्स 380 पॉइंट्स के साथ हैं, एज अ वाइस कैप्टन आप जीएल में दोस्तों इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फाफ डी प्लेसी जो कि 452 पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको ग्रैंड लीग में एज अ वाइस कैप्टन आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। आयडन मार्कम जो कि 569 पॉइंट्स के साथ हैं, एज अ कैप्टन आप इनको जीएल में दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पर पॉइंट टेबल की, तो बता दूँ ईस्टर्न के दूसरे नंबर पर है जिन्होंने 9 मैच प्लेड किए हैं, 4 वॉन किए हैं एंड 5 लॉस्ट हैं।
इनका नेट रन रेट 0.508, जो इनके पॉइंट है वो 19 पॉइंट है दोस्तों। बात कर लेता हूँ जॉन्सबर्ग सुपर किंग की, तो ये इन्होंने 7 मैच प्लेड किए हैं जिसमें 4 मैच वन किए हैं 3 लॉस। इनका नेट रन रेट -0.923 और इनके पॉइंट है वो 14 पॉइंट है दोस्तों। बात कर लेता हूँ अपनी फैंटेसी टीम की, तो दोस्तों विकेट कीपर में एडम रॉसिंगटन को, बैट्समैन में आर एंड्रिक, फाफ्ट प्लेसी, एडम मार्कम, ये उनको मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों अपने बैट्समैन फैंटेसी टीम में। ऑलराउंडर में मैंने आर सेफर्ड, मार्को जेंसन को ऑलराउंडर में अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स मैंने, जी कॉडजी, आरवी दर्दुहन, एस मंगला, ओ वाटमैन, दोस्तों ये 4 बॉलर हैं जो अपनी मैंने फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किए हैं। बात कर लेता हूँ कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की, तो दोस्तों हमने अपनी फैंटेसी टीम में एडन मार्क्रम को एज अ कैप्टन सिलेक्ट किया है एंड वाइस कैप्टन मार्को जेंसन को सिलेक्ट किया है दोस्तों। जो भी अपडेट होगा वो आपको लास्ट 30 मिनट में टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूँगा, तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।